मैरून पांडे, पांडेश्वर बक्सर से आपको क्यूब यानी घन के बारे में, घन निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, जहां से आप एक सेकेंड में किसी भी बड़े से बड़े संख्या का घन आप क्या कर सकते हैं, 2 सेकेंड 3 सेकेंड समय लगेगा, आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मेरा चैनल है मैथ एक्सपर्ट पांडे सर, और मेरा ये नंबर हुआ 98 52 71 41 97। ठीक है, मैं आपको घन निकालने की एक ऐसी विधि बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां से आप किसी भी घन के बारे में निकाल सकते हैं। देखिए, कोई भी नियम, 4-5 नियम नहीं, सिर्फ मैं एक नियम बताता हूँ। आप YouTube पर देखेंगे हजारों करोड़ों नियम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक नियम बताता हूँ, उससे पूरा का पूरा घन आप 1 से 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ 12 का, देखिए बोर्ड पे देखेंगे सब लोग 12 की बात करते हैं, तो 12 की बात करते हैं तो पहले देखिए क्यू निकालना है हम लोग को घन। देखिए यहाँ पे A1 का क्यू लिख देंगे, 1 का क्यू 1 होगा और इस 2 का क्यू क्या होगा, 8 होगा। कुछ नहीं करना है, अब 1 को स्क्वायर लो, 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसको 2 में गुणा करेंगे, 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अब 2 का स्क्वायर लेंगे, एक बार 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 × 1 = 4। आपको बताए थे हम, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है, इससे मतलब नहीं है, बीच वाले को क्या करना है, दुगना करना है। तो 4 का 2 × 2 क्या होगा, 8, और 2 का 2 × 2 क्या होगा, 4। अब यहाँ पे देखिए जोड़ना है, इसको प्लस कीजिए, जब प्लस करेंगे तो 8 2 6 और 1 7 और 1 यानी 17 28। मैं बात करता हूँ 15 का क्यू, किसी का भी निकल जाएगा। 1 का क्यू लेंगे, सिर्फ एक नियम लगाना है, हजारों नियम नहीं, सिर्फ एक नियम, सब नियम को काट के सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम पे बताना, हजारों करोड़ों नियम लोग बताते हैं लेकिन उसे नियम को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक नियम। मेरे साथ जुड़े और मैथमेटिक्स का एक छोटा सा छोटा ट्रिक्स नहीं बताते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। मैं 15 का देखिए 1 का क्यू क्या होगा, 1, और 5 के क्यू क्या होगा, 125, कितना होगा, 125। इसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, पहले इसका स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर 1 और 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। इसको दोनों को छोड़ देना है, यहाँ से इसको भी छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है, इसका दुगना करेंगे, 25 का दुगना क्या होगा, 50, और 5 का दुगना क्या होगा, 10। अब देखिए ऐड कीजिए, ऐड करेंगे, बस ऐसे ही इसको लिख दे रहे हैं, मतलब इसे काट दे रहे हैं, इधर से कोई मतलब नहीं रहता हमको। अब ऐड करेंगे, 5 का 5 हो गया, हाथ में लगा 12, इसको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ पे एक हासिल दे देगा, यानी और एक हासिल यहाँ पे हो जाएगा 33 75। अब मैं किसी बड़ा संख्या की बात करता हूँ, चलिए मैं बात करता हूँ किसका, मैं बात करता हूँ 22 का, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ 22 का, 25 का बात करता हूँ, कोई दिक्कत, मैं बात करता हूँ 25 का नहीं, पहले मैं 22 का बात करता हूँ, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है। देखिए 22 का बात करते हैं, 2 का क्यू क्या होगा, 8, और इस 2 का क्यू क्या होगा, 8, लिख दिए हम। फिर ये 2 का स्क्वायर लेंगे, पहला वाला 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, पहला वाला 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 × 8, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8। फिर इस 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 × 8, एक बार इसको स्क्वायर लेके इसमें गुणा करना है, एक बार लास्ट में इसको स्क्वायर लेके इसको गुणा करना है, फिर 8। अब बताएं कि इस दोनों से हमको लेना देना अभी नहीं है, इस 8 का दुगना क्या होगा, 16, इस 8 का दुगना क्या होगा, 16। आपने यहाँ पे बना लिया जोड़ा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 16 8 24 का 4 हाथ में लगा 2, 16 8 24 26 का 6 हाथ में लगा 2, और 8 2 कितना हो जाएगा, 10, यानी आप यहाँ पे क्या लिख दिए, 10। मैं बात करता हूँ 35 की, मैं बात करता हूँ 32 की, देखिए कोई भी संख्या बनेगा, देखिए 3 का क्यू क्या होगा, 3 का क्यू 27, और 2 का क्यू क्या होगा, 3 × 9 = 27, और 2 का क्यू 2 × 4 = 8। अब देखिए इसका स्क्वायर लेंगे, 9 9 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 × 18, यहाँ पे 18 मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा रोक लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं हम 2 का स्क्वायर लेंगे, 4, एक बार इसको स्क्वायर लेंगे, देखिए यहाँ पे 18 कैसे है, इस 3 का स्क्वायर ले, 3 का स्क्वायर 9 9 × 18, मैंने यहाँ पे लिख दिया 18।
एक बार मैंने इसका स्क्वायर लिया, दो का स्क्वायर चार, चार चार तिहाई बारह, बारह यहाँ पे कर देंगे तो इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे इसका दुगुना चौबीस, इसका दुगुना छत्तीस, अब जोड़ेंगे यहाँ पे आठ हो गया। अब जोड़िए बारह और चौबीस जोड़ेंगे तो छत्तीस आएगा, छत्तीस का छः हाथ में लगा तीन, और फिर छत्तीस और अठारह जोड़ेंगे चौवन और तीन संतावन, संतावन का सात हाथ में लगा पाँच, और फिर सत्ताईस और पाँच कितना होगा सात पाँच बारह बत्तीस, कोई दिक्कत मतलब बारह से बड़ा डिजिट, बड़ा से बड़ा संख्या आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं, कोई भी नियम की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नियम जाने, कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और देखते हैं हम, और देखते हैं यहाँ पे, देखिए इधर देखते हैं हम लोग, और एक दो को देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, चौबीस का, चौबीस का क्यों देखते हैं, ध्यान से समझना है, चौबीस का क्यों देखना है हम समझते हैं यहाँ पे, चौबीस का क्यों, दो का क्यों क्या होगा, दो दुना का चार दुना का आठ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आठ, फिर ये चार का क्यों क्या होगा, चौ का सोलह चौके चौसठ, दूर दूर लिखना है, फिर एक बार दो का स्क्वायर लेंगे, दो का स्क्वायर क्या होगा चार, चौ के सोलह, फिर इस चार का स्क्वायर लेंगे, चौ का सोलह दुना बत्तीस, फिर अब एक बार आपको इसको भी छोड़ देना है, आपको एक बार इसको भी छोड़ देना है। देखिए पहले मैंने क्या किया, एक बार फिर समझिए, फ्रेश एकदम फ्रेश लास्ट क्वेश्चन एकदम फ्रेश समझिए कैसे बनेगा, आप बना लेंगे एक से सौ तक आप क्यू निकाल सकते। देखिए पहले इस दो का क्यू लेना है, दोनों क्यू है लिख दीजिए, दो का क्यू आपका आठ होता है, आठ लिख दिए मैं, चार का क्यू मेरा होता है कितना चौसठ, तो मैंने लिख दिया चौसठ। अब इसे एक बार दो का स्क्वायर लेंगे, दो का स्क्वायर कितना होगा चार, चार हो गया तो इसमें गुणा करेंगे चौ के सोलह, मैंने यहाँ पे लिख दिया सोलह, फिर एक बार चार का स्क्वायर लेंगे, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह दुना बत्तीस, मैंने यहाँ पे लिख दिया बत्तीस। अब बताया था कि अभी इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, और मतलब किससे हमको, बीच वाले से, मतलब किससे है बीच वाले से, तो मतलब बत्तीस का दुगना क्या होगा चौसठ, और सोलह का दुगना क्या होगा बत्तीस। अब जोड़िए इसमें तो चार आ गया, लेकिन कह रही यहाँ पे छः हुआ, यहाँ पे बत्तीस चौसठ और छः, छः चार दस दो बारह, छः तीन नौ एक दस एक सौ दो, यानी यहाँ पे दो हो गया, कितना हासिल बचा दस, सोलह और बत्तीस आप जोड़िएगा एट और फोर अड़तालीस, अड़तालीस और दस कितना हो गया अंठावन, अंठावन का आठ हाथ में लगा पाँच, और आठ पाँच कितना हो गया तेरह, आप यहाँ भर दिए तेरह, क्या दिक्कत है, मतलब इससे एक से लेकर सौ तक क्यूब बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये समाप्त हुआ।